जय श्री राम दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसी खुशी के उपलक्ष में मैं आपसे वहाँ के एक और प्रसिद्ध मंदिर की चर्चा करूँगी। कुंती, महाभारत के इस पात्र को कौन नहीं जानता। उन्हीं के नाम पर वहाँ एक मंदिर बना है जिसका नाम है श्री कुंतेश्वर मंदिर। यह मंदिर अयोध्या रोड पर सफदरजंग चौराहे से 18 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति रोज सबसे पहले आकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करती है। लोगों का मानना है कि ऐसा करने वाली स्वयं कुंती है। मंदिर के पुजारी शीतला प्रसाद जी बताते हैं कि माता कुंती यहाँ अपने 5 पुत्रों के संग 13 माह के अज्ञातवास के लिए आई थी। महाबली भीम के लाए 2 शिवलिंग में एक यहीं पर स्थापित किया गया था। और दोस्तों, इसी मंदिर की कुछ ही दूर पर एक पारिजात वृक्ष है। कहते हैं कि खुद श्री कृष्ण भगवान ने इस वृक्ष को लगाया था। मान्यता यह भी है कि महाभारत युद्ध के वक्त माता कुंती ने अर्जुन तो गांधारी ने दुर्योधन की विजय की कामना के लिए शिव आराधना शुरू की। इस दौरान आकाशवाणी हुई कि अगले दिन जो सूर्योदय से पहले प्रथम शिवार्चन स्वर्ण पुष्पों से करेगा उसका पुत्र युद्ध में विजयी होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण खुद इंद्र की वाटिका में गए और वहां से स्वर्णमयी आभा वाले पारिजात वृक्ष की डाली तोड़ लाए और बरोलिया गांव में रोप दिया। ऐसे जो पारिजात वृक्ष है वह स्वयं भगवान द्वारा लगाया गया है और माता कुंती ने शिव की आराधना की जिसके कारण पांडव युद्ध में विजयी हो पाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे।